साधना आपकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही, 26 तारीख के बाद भी आपने उसकी आलोचना नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले बड़ा किसान या बड़ा तिरंगा, बड़ा तिरंगा या बड़ा किसान? और यही सवाल आरपी सिंह से होगा मेरा। देखिए आदरणीय दीपक जी, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, और कांग्रेस पार्टी ने हर चैनल पर जाके ये कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, इतनी बड़ी बहस के माध्यम से कह दूं कि हम हिंसक घटनाओं का समर्थन नहीं करते। ये गॉडसेवादी राष्ट्रवादियों की करतूते हैं, गांधीवादी राष्ट्रवादी ऐसे काम नहीं करते। पर भाई कॉल तो किसानों का था, साधना कैसी बात कर रही है? ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का कॉल तो किसानों का था। आदरणीय दीपक जी, मुझे मेरी बात तो पूरी रखने देना, तब तो आप पहुंचे निष्कर्ष में मैं कैसी बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा तिरंगा या किसान, हिंदुस्तान में तिरंगे का सम्मान हर व्यक्ति करता है, लेकिन कौन नहीं करता वो सब जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए आपने हमेशा से सवाल उठाए। आज मैं पूछती हूँ, आप बताइए कि देश के नाक संसद भवन में आतंकवादी भाजपा के शासन में घुसे, लाल किले में आतंकवादी 2000 में भाजपा के शासन में घुसे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी भाजपा के शासन में घुसे, और तिरंगे की बात? अरे आपके काल में तो 26/11 हुआ था मैडम। तिरंगा साधना भारती जी, ये मत भूलिए कि देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक 26/11 आपके शासन काल में हुआ था, ये मत भूलिए आप। 26/11 के समापन में ताश की पत्तियां कौन खेल रहा था तिरंगे पर बैठकर, रक्षा सौदों में दलाली किसने कही? आज ये लोग जब किसानों की बात करें, देखिए ये हुकूमत जो है तानाशाह। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप बात गोल गोल घुमा रही हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल था, पहले तिरंगा या पहले किसान, पहले तिरंगा या पहले किसान? आप बात को गोल गोल घुमा रही हैं। 26/11 को मत भूलिए आप, 7/7 को मत भूलिए आप। सम्मान यही है, सुनिए मेरी बात आप, मैं ये कह रही हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ ना, मैं आपसे पूछती हूँ, चाहे 15 अगस्त को या 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हाई अलर्ट होता है, अरे मैं पूछती हूँ कैसे उपद्रवी घुस गए लाल किले में? मैडम उपद्रवियों को, उपद्रवी घुसे इसलिए घुसे क्योंकि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च बुलाया था। आप इतना भी नहीं समझ पा रही हैं। अरे किसान नहीं घुसे भाई, ये दीप सिंधु किसान नहीं है, ये तो चलिए जवाब ले लेता हूँ आपकी बात का।